की टॉपिक जो है विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो आज मैं विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन करके आप लोग को दिखाता हूँ कि विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये विजिटिंग कार्ड का पार्ट नंबर वन है। तो चलिए मैं आप लोग को कोरल ड्रॉ में लेके चलता हूँ। तो मैं कोरल ड्रॉ को ओपन करके रखा हूँ। तो इस प्रकार से मैं जो है दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं साइज को लेता हूँ, जो विजिटिंग कार्ड की साइज होती है। तो यहाँ पर हम 88 mm लेंगे और यहाँ पर 55 mm। उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर होने के बाद देखिए ये अपना खुद जो साइज आती है उसका एक्चुअल साइज इसका ये है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ठीक है इस प्रकार से, उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड का जो प्लस का की रहता है उसको प्रेस करेंगे। तो उसको प्रेस मैंने किया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हल्का सा इतना दूर करके मैंने रखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे हम शेप टूल में, शेप टूल। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बीचों बीच में डबल क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू कर्व में है, उसको हम क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे बीच में, राइट क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर टू कर्व उस पर हम गए। उसके बाद देखिए इसको, सॉरी एक बार इसको कंट्रोल जेड से हम बैक ले लेते हैं। उसके बाद फिर वही गया, फिर देखिए इस प्रकार से है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है इस प्रकार से बनाना हमको है। तो मैं इस जगह को पकड़ के यहाँ तक ले आया और उसको इस कॉर्नर को पकड़ के मैंने इस कॉर्नर में मिला दिया। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए देखिए इस प्रकार से मुझे करना है। तो देखिए आप किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो ये हो गया मेरा राउंड। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कलर को फिल करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कलर जो है इस प्रकार से कलर है। अब इसको क्या करूँगा, फिर से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए इसको कॉपी किया, उसके बाद हल्का सा इस प्रकार से मैंने किया, यहाँ से यहाँ छोड़ा मैंने। उसके बाद फिर इसको कलर फिल, कोई कलर हल्का दूसरा कलर ले लिया मैंने। उसके बाद फिर कॉपी करूँगा इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर फिल करूँगा। कलर फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए स्मार्ट फिल टूल में जाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरसेक्टिव जो फिल है उसको हमको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर इस प्रकार से किया, हल्का वो दूर ले जाता हूँ। उसके बाद देखिए कौन सी कलर है, चाहे आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो यहाँ पर कलर जो है हम कलर को सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरा कलर इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कलर है। इसको और हल्का ऊपर ले जाता हूँ। चलिए मेरा ये रेडी हो गया। आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने। उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और एक पेज इधर रख देता हूँ। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने, आप लगातार देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। कोई देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसके बाद देखिए इसको हम नीचे की ओर ले आता हूँ। चलिए मैंने नीचे की ओर ले आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस जगह से इस जगह क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर गए, फिर इसे राइट क्लिक किए, फिर कर्व में गए और इसको गोला कर देता हूँ मैं।
और इसको हल्का सा इस यहाँ तक ला के छोड़ देता हूँ। चलिए ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कलर फिल को कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। चलिए कलर मैंने फिल कर दिया। आप इसको पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक सेट कर देना है। तो इसको मैंने सेट कर रहा हूँ। चलिए सेट हो गया मेरा। आप इसको क्या करना है, ये डाउन करना है। तो मैंने कंट्रोल करके कंट्रोल पे ही डाउन करूँगा। चलिए पेज डाउन हो गया मेरा पूरा ये। चलिए मेरा पेज डाउन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कोई इमेज ले लेंगे। आ इमेज लेने के लिए मेरा एक जो खुद का लोगो है उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो वीडियो हल्का सा लंबा होगा लेकिन आप ध्यान पूर्वक से देखें तभी आप सीख पाइएगा। उसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ इसके साइज के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक किया। उसके बाद पावर क्लिप इन साइड में जाते हैं और यहाँ पर फिर कर देते हैं। तो ये मेरा सेट हो गया। आप चाहे सेट यहाँ से भी कर सकते हो हल्का फुल्का, तो मेरा सही है लगभग। तो चलिए इस प्रकार से हल्का और कर लेता हूँ। चलिए मेरा ये सही हो गया। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर क्या करूँगा, कलर को वाइट है तो मेरा वाइट पर मिला दिया। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का फिल किया। चलिए ये मेरा हो गया रेडी। अब इसको मैंने क्या करूँगा, लॉक कर दूँगा। लॉक करने के मतलब ग्रुप बना के छोड़ दूँगा। तो ग्रुप मेरा ये बन गया, रेडी हो गया मेरा यहाँ पर। अब इसको बच गया है ये सब बिठाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बैग का क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार से इधर खींच के रख लेते। उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रुप बना देता हूँ। चलिए मैंने इसको ग्रुप में लॉक कर देता हूँ। चाहे आप कंट्रोल जी से भी कर सकते हो। इसको हल्का छोटा करता हूँ। चलिए यहाँ तक अब इसको पहले देख लेता हूँ। चलिए इसको हल्का बड़ा करूँगा इस प्रकार से, हल्का बड़ा हल्का। और चाहे बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या करूँगा, इसको जूम करके आप सेट कर सकते हो। चलिए इसको जूम किया मैंने ऊपर, देखिए यहाँ पर। चलिए सेट हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। उसके बाद देखिए मैंने कंट्रोल के साथ इसको खींचना है इसको। चलिए कंट्रोल के साथ किया। अब मैं फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाऊंगा। चलिए कंट्रोल के साथ मैंने नीचे लाया तो बराबर में आती है, पूरी इक्वल में आती है। उसके बाद इसको क्या करूँगा, मैंने सेट कर दूंगा। तो हल्का ऊपर लेके गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर मैंने जो बीच में ब्लैक है तो इसको ब्लैक एक फील करता हूँ। तो कलर मेरा ब्लैक हो गया। तो इस प्रकार से मेरा रेडी हो गया। अब इसको फिर क्या करूँगा, मैंने ग्रुप बना के छोड़ दूँगा ताकि आप इधर उधर कोई हटे नहीं, आप यहाँ से भी। ठीक है, तो चलिए ग्रुप मेरा हो गया। आप क्या मेरा रहा, आप इसको उठाना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ क्योंकि आप लोग का भी टाइम बचे, बाकी बात आप लोग खुद। तो ये मेरा रेडी हो गया बन के। तो आप इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो। इस प्रकार से मेरा विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से सीख गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको बताइए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज तक इतना ही। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।